नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। एक और जहां कोरोना संकट के कारण लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। दरअसल लॉकडाउन के चलते पिछले 13 दिनों से दुकानें और बाजार पूरी तरह से बंद है, मगर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए कुछ दुकानदार प्रशासन की अनुमति लेकर के दुकानें खोले हुए हैं। ऐसा ही शहर के ऑटो मार्केट में जब ऐसे ही दुकान खुली तो वहां चोरों ने अपने हाथ की सफाई दिखा दी और दुकान में रखी 32,000 की नकदी चुरा कर फरार हो गए। हालांकि घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकानदार ने बताया कि उन्हें प्रशासन ने कुछ घंटों के लिए दुकान खोलने की परमिशन दी थी। उसने दुकान खोली भी और एक ग्राहक को दुकान के बाहर सामान दिखा रहा था। इसी बीच एक युवक मौका पाकर के दुकान में घुस गया और गले में रखी 32,000 की नकदी चुरा कर फरार हो गया। दुकानदार ने बताया कि युवक दुकान के बाहर निकलते देख जब उसने दुकान में जाने का कारण पूछा तो उसने कहा कि प्यास लगी है, पानी पीना चाहता है। कोरोना वायरस के चलते लोगों ने चेहरों पर मास्क लगाया हुआ है, इसलिए उस अज्ञात युवक ने भी अपने चेहरे को ढका हुआ था, जिस कारण उसकी पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। इस समय पुलिस जांच में लगी है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। हाँ जी, मतलब ये क्या चोरी का मामला है जी? ये अपनी दुकान है भाटी टायर नाम से ऑटो मार्केट में। तो 10-15 दिन से लॉकडाउन के दौरान अपनी दुकान बंद थी, तो सोमवार से हमें परमिशन मिली है सुबह 8 बजे से 12 तक दुकान खोलने की। कल दुकान खोली, आज खोली, जैसे मैंने 8 बजे खोली तो 9:30 बजे के आसपास एक ट्रैक्टर का कस्टमर आया बाहर, तो उसको मैं ट्रैक्टर के टायर दिखा रहा था। पीछे से कोई अनजान बंदा आया, मुँह पे रुमाल बांध के, अंदर से गले के अंदर में पेमेंट पड़ी थी 32,000 रुपये, वो निकाल के जाता रहा बाहर। जैसे ही वो बाहर गया मैंने उसको टोका भी, बाहर के अंदर क्या कर रहा है, कहता पानी पीने के बहाने में आया था, तो चला गया बंदा। तो उसकी शिकायत मैंने लिखित में हुड्डा चौकी में दी है और इनको कॉपी भी दे दी है सीसीटीवी कैमरे। तो ये घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी? पूरी क्या कैद हो गई। कितने पैसे थे आपके गले में? 32,000 रुपये थे। 32,000। क्या नाम है जी आपका? निखिल भाटिया, भाटिया टाइप।